दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न तो जरूर आया होगा कि भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से ज्यादा ताकतवर कौन होता है, किसके पास ज्यादा ताकत होती है, देश की जनता के ऊपर किसका ज्यादा कंट्रोल रहता है। आप में से बहुत से लोग शायद ये बोले कि प्रधानमंत्री के पास ज्यादा ताकत होती है, राष्ट्रपति तो बस एक रबर स्टैंप यानी कि कठपुतली है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में जो जानकारी देंगे उससे हो सकता है कि आपके सोचने का नजरिया बदल जाए। हो सकता है आप अभी तक गलत सोच रहे हो। प्रधानमंत्री के पास भले ही ऐसी ऐसी ताकतें होती हैं जिससे दुनिया परिचित होती है, लेकिन अब आप राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को जानेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है। अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति पद की, तो भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है। लेकिन बात तो ये भी है कि हम और आप अक्सर ही प्रधानमंत्री को ही देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देखते हैं। लेकिन संविधान की कुछ ऐसी प्रोविजन है जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर होता है। हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, जिसे हम पत्थर की लकीर मानते हैं और जिसे कोई पलट नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फांसी ही क्यों ना हो, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी रिवर्स कर सकता है, और वो है भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास और भी बहुत अधिकार होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में हर साल पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। प्रेसिडेंट ही सेशन को बुलाते और बंद भी करते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब लगे कि रूलिंग पार्टी के पास पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है। वो पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, और अगर पार्टी इसमें फेल हो जाती है तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो आप अब सुनिए, अगर भारत और किसी दुश्मन देश के बीच लड़ाई होती है और जंग छिड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि हम सबसे पहले प्रधानमंत्री की ओर देखेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा। क्या आपको ये बात पता थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो टर्म आता है वो है ऑर्डिनेंस पास करना। अगर आपको नहीं पता कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो चलिए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। ऑर्डिनेंस एक कानून होता है जिसे भारत के केंद्र कैबिनेट की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया जाता है। अब अगर कानून के हाथ लंबे हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति के पावर्स की लिस्ट भी लंबी हो सकती है। राष्ट्रपति यह अध्यादेश भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत पारित करता है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल संसद के सत्र ना चलने पर ही कर सकता है। जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है, तब प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल कर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर वो कानून संसद में रद्द हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी बिल संसद में पेश होता है, वो कानून प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अगले जिस पावर की हम बात करने जा रहे हैं, वो तो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इलेक्ट करने वाले भी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ही होते हैं। दरअसल ये हमारी और आपकी गलती नहीं है। हमारे देश में जब भी बात सरकार की होती है, तो हमारे जुबान पर सबसे पहले प्रधानमंत्री शब्द आ जाता है। इनका ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आता है। इतना ही नहीं, देश के और भी राजनीतिक लोगों को उनके पदों पर अपॉइंट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में आती है। आप सुनकर थोड़ा चौंक जाएंगे, लेकिन रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री जैसे अन्य मंत्रियों को भी हमारे राष्ट्रपति साहिब ही चुनते हैं। हालांकि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि वो इन मंत्रियों को अकेले नहीं चुनते, बल्कि इनमें प्रधानमंत्री का भी काफी हद तक योगदान होता है। राष्ट्रपति के हक में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चुनना भी आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त कर सकता है। अरे अभी तो राष्ट्रपति की सबसे मुख्य पावर में से एक जो है, वो तो आपने जाना ही नहीं। हमारे देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, लेकिन उसे उसके पद से संसद के दोनों सदनों के सहाती पर ही हटाया जाता है। अब यहाँ तक जान लिया तो जरा ये भी जान लीजिए कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो होता है जो केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और उनके नियंत्रित संस्थानों के आय व्यय की जांच करता है।
यही संस्था सार्वजनिक धन की बर्बादी के मामलों को समय समय पर सबके सामने लाती है। और प्रेसिडेंट का मेन इमरजेंसी वाला पावर तो आपने जाना ही नहीं। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, देश में जब भी आपातकाल का माहौल बन जाता है तब प्रेसिडेंट द्वारा इस पावर का प्रयोग किया जाता है। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी एक आपातकालीन प्रशासनिक तंत्र के टूटने का कारण होता है, जो सरकार को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए अनुमति देता है। राष्ट्रपति किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए कुछ असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने, देश में कभी भी किसी व्यक्ति के जरूरी पद को मैनेज करने तक बात आती है तो हमारी आंखें राष्ट्रपति की तरफ ही देखती है। चलिए ये तो हुए प्रेसिडेंट के पावर, अब बात कर लेते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पावर्स की। आपको बता दें कि हमारे संविधान को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि जिसमें राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर होने के बाद भी प्रधानमंत्री के पास बहुमूल्य ताकत होती है। भारत के प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनी टीम में सदस्यों के नामों की सिफारिश करना। केवल प्रधानमंत्री द्वारा चुने हुए यानी पीएम के सिफारिश के अनुसार सिलेक्टेड लोगों को ही राष्ट्रपति मंत्री बना सकते हैं, जिनके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, जैसा कि हम आपको ये ऊपर अच्छे से समझा भी चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, और वो दिए गए विभाग में फेरबदल भी कर सकते हैं। आपने और हमने अक्सर ही ये देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। यदि किसी प्रधानमंत्री की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो जाती है तो उसके स्थान पर अन्य मिनिस्टर कार्य नहीं कर पाते, यानी कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद काउंसिल अपने आप ही भंग हो जाती है। इसके अलावा अभी और सुनते चलिए, भाई वो प्रधानमंत्री हैं तो छोटी मोटी शक्तियां तो होंगी नहीं, अतः अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। अर्थात वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करने की सलाह भी दे सकता है। प्रधानमंत्री के पास एक बड़ी शक्ति ये भी है कि वो इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल जैसे अधिकारियों के अपॉइंटमेंट के विषय में राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। इसके साथ ही उनके पास ये भी शक्ति होती है कि संसद के सेशन को भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं वो। इसके अलावा किसी मंत्री को त्याग पत्र देना या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि प्रधानमंत्री विचारों में मतभेद होने के कारण भी मंत्रियों को हटाने की मांग भी राष्ट्रपति से कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की चीफ प्रवक्ता की भूमिका भी निभाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता भी होता है, वही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। वार्षिक बजट तथा अन्य सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि आपको और हमें पता है कि प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस वजह से वो भी शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे वो लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। वो राष्ट्रपति को भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के अध्यक्षों और संसदों और सदस्यों, इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशंस की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का नेता होता है। अतः वो राष्ट्र के एक नेता के रूप में वो भिन्न राज्यों में लोगों की विभिन्न वर्गों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पावर कंपैरिजन। किसकी पावर्स आपको ज्यादा लगी और इसके बारे में पहले से आप कितना जानते थे, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।